ये लॉयड एसी का आउटडोर यूनिट का पीसीबी है, इंडोर यूनिट में E5 एरर आ रहा था। हमने आउटडोर का पीसीबी खोल के चेक किया, कैपेसिटर के ऊपर हमें शॉर्टिंग मिल रही थी। हमने इसकी जांच की तो ये जो कैपेसिटर का जो सप्लाई है ये आईपीएम को जा रहा था। हमने आईपीएम रिमूव करके देखा तो शॉर्टिंग चला गया है। हमने ये पुराना आईपीएम निकाल दिया है, हमने मार्केट से एक नया आईपीएम ऑर्डर किया है। हम अभी इसे लगा के देखते हैं। हमने इस पीसीबी का आईपीएम रिप्लेस कर दिया है, अभी देखते हैं ये रन होता है या नहीं। हम इसे अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखिए अपना आउटडोर स्टार्ट हो चुका है।